अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सामा ख़ान। कैसे हैं सब? तो जी, आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेमल केक, क्योंकि है मेरे भाई की बर्थडे और उसे कैरेमल केक पसंद है, तो मैंने सोचा घर पे ही बनाती हूँ। तो जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये मैं पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये सब चीज़ें अरेंज कर लें और उसके बाद जो है वो हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप जो है वो मैंने फ्लावर ले लिया है, मैंने नॉर्मल फ्लावर लिया है, आप सेल्फ राइजिंग फ्लावर भी ले सकते हैं। 3/4 कप मैंने फाइन शुगर ली है, आपकी शुगर अगर मोटी है तो आप उसे पीस लें। 1/3 कप जो है वो मिल्क है, और उसके बाद 1/4 कप जो है वो आपका ऑयल है। उसके बाद आप 1 टीस्पून के करीब, अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो 1/2 टीस्पून के करीब आप वनीला एसेंस लेंगे। ये हम जो ले रहे हैं वो येलो कलर है, इसका हमें 1 ड्रॉप चाहिए। इसके अलावा 4 अंडे हम लेंगे, और यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 पिंच सॉल्ट की, और 1/4 टीस्पून हम ले रहे हैं बेकिंग सोडा, और इसके अलावा 1 टीस्पून ले रहे हैं बेकिंग पाउडर। तो अब चलते हैं, इसका बैटर तैयार करते हैं। सबसे पहले हम बाउल के अंदर लेंगे एग्स। आपको एग्स की एक जर्दी ज़्यादा नज़र आ रही होगी, क्योंकि मेरे 1 अंडे में से 2 छोटी छोटी जर्दियाँ निकली हैं। और इसके अंदर जो है यह हम चीनी ऐड करेंगे, और अब हमने इसे बीट करना है जब तक कि ये डबल साइज़ का ना हो जाए, फोम साइज़ पूरा बन जाए, यानी पूरा आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो बीट करना है। यहाँ पे इसकी ये कंसिस्टेंसी आ गई है, थोड़ा सा पेशेंस का काम है। जब इस तरीके से आप 3-4 मिनट तक अच्छे तरीके से बीट कर लें फुल स्पीड पे, तो अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करेंगे और इसको बीट करते जाएंगे, बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में, एक साथ पूरा ऑयल नहीं डालना। ऑयल के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वनीला एसेंस, और ये जो हमारा फूड कलर था 1 ड्रॉप, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम जो है ये शिफ्ट करेंगे अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें हमने ये करना है कि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक, और जो आपका मैदा था, और साथ में रख लिया दूध। तो हम थोड़ा थोड़ा सा ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करके बीट करेंगे, और फिर दूध डालते जाएंगे। तो ड्राई दूध इस तरह से करके मिक्स करेंगे। चलें जी, ये बैटर रेडी हो गया, इसे हम अपने ग्रीस्ड पैन के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये हो गया है शिफ्ट, थोड़ा सा इसे हम टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर वगैरह ना बने। चलें जी, अब हम इसे बेक करेंगे 175 डिग्री के ऊपर 35 मिनट्स तक। हर एक बंदे का ओवन और अप्लायंस डिफरेंट होता है, तो आप इसे चेक करते रहिएगा इन बिटवीन। अच्छा जी, जब तक केक बन रहा है, ये हम लोगों ने 1/2 कप शुगर ली है 1/4 कप वाटर में, तो इसको हम 2 बॉयल दे के बाहर निकाल लेंगे। इसे मैं रख रही हूँ। ये 600 ml हमने हैवी क्रीम ले ली है, ये क्रीम जो है वो रेडी हो गई है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो आइसिंग शुगर ऐड किया। ये अब हम कैरेमल सॉस बना रहे हैं। मैंने 1/2 कप चीनी जो है वो बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए रख दी है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेल्ट होगी। ये देखिए, चीनी जो है वो पिघल गई है, अच्छा सा कैरेमल बन गया है। इसे हम 1-2 मिनट और पकाएंगे हल्की आंच पे बिल्कुल, और उसके बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून जो है वो बटर ऐड करेंगे अनसॉल्टेड। ये देखिए, हम इसमें बटर ऐड कर रहे हैं। जितनी चीनी होती है उसमें इतनी ही क्रीम जाती है, तो ये 1/2 कप है, तो इसमें हम जब ये कैरेमल रेडी हो जाएगा तो हम इसमें 1/2 कप क्रीम ऐड कर देंगे, और बस ये आपका कैरेमल सॉस रेडी हो जाएगा। चलिए जी, ये कैरेमल रेडी हो गया है, तो मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कैरेमल मैंने पार्चमेंट पेपर के ऊपर निकाल के उधर डाल दिया है, जो सूख जाएगा तो उसके बाद जो है वो उसका क्रंच बनाएंगे। चलें जी, अब कैरेमल को हम थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं। केक को जो है वो असेंबल करते हैं। ये मैंने केक को जो है वो 2 पीसेस में काट लिए। सबसे पहले जो हमने ये चीनी का पानी जो बनाया था,
वो हम इसके ऊपर जो है वो काल का स्प्रेड कर देंगे। इस पे कर दिया है वाटर, अब हम इसके ऊपर क्रीम ऐड करेंगे। पार्चमेंट पेपर से जो है ये सारे निकाल दिए, इसे जो है मैं पीस लूँगी, ग्राइंड करती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने इसके साइड पे क्रीम लगा ली और फोक से थोड़ी सी लाइंस लगा दी हैं और ऊपर भी लगा दी है। अब हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। ये देखें जी, मैंने केक डेकोरेट कर लिया है। पहले मैंने केक के ऊपर जो है वो कैरमल पोर किया, उसके बाद क्रीम जो है वो थोड़ा साइड के ऊपर भी लगा दी, और ये आप देख सकते हैं क्रीम थोड़ा साइड पे भी लगा दी, और उसके बाद ऊपर भी थोड़ा सा फ्लावर बना दिए। बीच में ये कैरमल के जो थे वो थोड़े क्रंच जो हैं वो ऊपर इस तरह से सजा दिए, और पाउडर जो है वो साइड पे स्प्रेड कर दिया है कि हमारा कैरमल केक जो है वो रेडी हो गया है। आई एम वेरी लाइक, मेरे केक के जो टेस्ट होते हैं वो बहुत अच्छा होता है, बट आई एम रियली नॉट गुड एट डेकोरेशन बिकॉज आई हैवन डन एनी कोर्स, और फॉर्मली मेरे पास कोई केक बनाने की एजुकेशन नहीं है, खाना बनाने की ज़रूर है। तो जो है क्या कहते हैं, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छा सा केक बने और मेरे भाई को पसंद आए। लेट्स सी कि उसको कैसा लगता है ये। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।